दो चार दिन नहीं है, क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हें पता नहीं? अरे वो अंबेडकर जी का कुछ है ना, आते वक्त तो बहुत भीड़ थी, अंबेडकर के नाम से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पता नहीं क्या ही इस अंबेडकर में, सबको मुफ्त की सवारी मिल जाती है, आ जाते हैं। मैं तो नहीं आऊंगा कॉलेज, और हाँ आप लोग भी बताइएगा। एकदम सही बोला, मैं भी नहीं आऊंगी कॉलेज। पर तुम में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि कल मैं उसी भीड़ का एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। कल 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन, उन्हें मैं नमन करने जा रही हूँ। क्या तुमने देखा नहीं, ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, वो अपने बच्चों को लेकर शामिल क्यों हुए इस भीड़ में? क्यों माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर लेके आते हैं इस भीड़ में? क्यों कॉलेज के युवा खड़े हो जाते हैं उस भीड़ के साथ जो अनपढ़, देहाती और गवार है? इस आधुनिक भारत के निर्माता को नमन करने सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अगर ठीक से देखते तो तुम्हें ये भीड़ भीड़ नहीं लगती, और तुम्हें अपने आप ही पता चलता कि अंबेडकर जी क्या है। दोस्त, इस देश को भारत माता की जय कहने का मौका अंबेडकर जी ने दिया है। जब बाकी देश भी कर रहे थे ना, तो भारत को एकजुट रखने वाला संविधान किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। भारत के निर्माण के लिए जरूरी थी बिजली और खेती के लिए बड़े डैम, वो काम भी अंबेडकर जी ने किया। स्त्रियों को जायदाद में समान हिस्सा, समान वेतन, और गर्भवती महिलाओं को पूरे वेतन के साथ छुट्टी देकर तुम्हारी झोली में माँ का प्यार और उसका दुलार किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। बुढ़ापे में शायद तुम्हारे हाथ पैर काम न करे, ये सोच कर पीएफ किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। इस देश पर शासन कौन करेगा, यही तय करने के लिए सबको समान मतदान का हक किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। आजादी के बाद इस देश में सारे धर्म एक दूसरे पर हावी हो जाते थे, उन सारे भगवानों को पनाह देने का काम किसने किया? अंबेडकर जी ने किया। बस कुछ लोग अभी भी अनजान है इस बात से, लेकिन जो लोग जान चुके हैं वो लोग आ जाते हैं चैत्य भूमि पर बाबा साहब को वंदन करने, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक। बाबा साहब के नाम का फायदा चुपके से सब लेते हैं, पर जो सीना तान के खड़े रहते हैं वो सबकी आंखों में चुभते हैं। पता नहीं कितने स्पॉन्सर नेता खड़े किए गए बाबा साहब के सामने, सब के सब मिट गए। इतना पैसा फेंकने के बाद भी बस